अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज में आज आप सीखेंगे अल्टरनेट यूनिट बनाना और उसका उपयोग करना। जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी भी गुड्स को मेजर करने यानी मापने की कोई वैल्यू होती है जिसे हम यूनिट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के गुड्स के लिए अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजर होती हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर, लीटर, पीस, नंबर, टन, डजन इत्यादि। प्रत्येक व्यापारी अपने माल के हिसाब से उसको मेजर करने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग यूनिट्स का उपयोग करता है। इसके पहले हम आपको टेलीप्राइम की वीडियो नंबर 27 में स्टॉक आइटम्स के लिए सिंपल यूनिट बनाना और उनका उपयोग करना सिखा चुके हैं। लेकिन जब हमारा व्यापार बड़ा होता है तो हम ज्यादा मात्रा में एक साथ माल खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस माल को बेचते हैं। जैसे हमने 10 क्विंटल चावल खरीदा। यहाँ हम आपको बता दें कि 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, यानी हमने 1000 किलो चावल खरीदा जिसे 10 क्विंटल कहेंगे, और इस चावल को हम 25, 50 या 100 किलो करके बेचेंगे। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमने क्विंटल में माल खरीदा और किलो में बेच रहे हैं, यानी खरीदने और बेचने की यूनिट्स अलग अलग हैं, और यही कारण है कि हमें टेली में हिसाब रखने के लिए भी अलग अलग यूनिट्स की आवश्यकता होगी। साथ ही वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक साथ दो यूनिट्स पर काम कैसे करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको कंपाउंड यूनिट्स यानी एक साथ तीन यूनिट्स पर काम करना बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप इनकी रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डेमो टैली UOM के नाम से एक नई कंपनी बना रहे हैं, जिसमें बिल वाइज एंट्री और GST को नो रखा है, क्योंकि अभी हमने इन ऑप्शंस पर काम नहीं किया है। कंपनी बनाने के बाद हमने इस कंपनी में सेल्स, परचेस, सप्लायर और कस्टमर के कुछ लीजर्स भी बना लिए हैं। अब हम किलोग्राम की एक सिंपल यूनिट बना लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट ऑप्शन पर जाएं। अब यहां इन्वेंटरी मास्टर्स में यूनिट को सिलेक्ट करें। ये देखिए, यूनिट क्रिएशन की एक छोटी स्क्रीन ओपन हो गई है। यहां पर यूनिट टाइप सिंपल ही रहने दें। इसके बाद सिंबल में अगर कोई यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है तो वो यहां पर टाइप करें। हम KGS टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। अब फॉर्मल नेम में किलोग्राम्स टाइप करें। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की। यदि आप इस यूनिट को बनाने के बाद दूसरी जो अल्टरनेट यूनिट बनाने वाले हैं वो इससे छोटी यूनिट होती, जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और हम किलोग्राम में माल खरीद कर किलोग्राम के साथ साथ ग्राम में भी बेचते हैं, जैसे कि 1.5 किलो या 550 ग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम के साथ ग्राम को भी दर्शाने के लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 लेते, क्योंकि ग्राम अधिकतम 3 डिजिट्स तक ही होते हैं। 1000 ग्राम यानी 4 डिजिट होने पर वो 1 किलोग्राम बन जाता है। लेकिन यहाँ हमें किलोग्राम से ऊपर की यूनिट जैसे क्विंटल में जाना है, तो यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 ही रहने देंगे। अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जिस तरह से हमने किलोग्राम के लिए यूनिट क्रिएट की थी उसी तरह हम क्विंटल की यूनिट भी बना लेते हैं। यहाँ हमने क्विंटल के लिए QTL लिख लिया है। फॉर्मल नेम में अब हम क्विंटल लिख लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की। हम क्विंटल में माल खरीद कर किलो में बेचने वाले हैं और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम टाइप करेंगे 2। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना होंगे।
हम नेम में राइस टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और अंडर में प्राइमरी ही रहने देंगे। ये हम यूनिट्स पर आ गए हैं, पर आगे बढ़ने से पहले कुछ समझना जरूरी है। इसके पहले हमने एक ही यूनिट पर काम किया था, जिस यूनिट में हम माल खरीदते थे उसी यूनिट में बेचते थे, पर अब हम दो यूनिट्स पर काम करने जा रहे हैं। हम क्विंटल में माल खरीदेंगे और क्विंटल और किलोग्राम्स दोनों में बेच सकते हैं, और इसके लिए हमें स्टॉक क्रिएशन स्क्रीन पर रहते हुए F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। यहाँ पर प्रोवाइड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट फॉर स्टॉक आइटम्स को यस ही रहने दें, और उसके नीचे यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उसे यस कर दें और कॉन्फ़िगरेशन विंडो को एक्सेप्ट कर लें। अभी हम यूनिट्स पर हैं और यहाँ हमारी बनाई हुई सभी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। हमें इसमें से वो यूनिट सिलेक्ट करना है जिसमें हम सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। हम इकट्ठा माल खरीदेंगे क्विंटल में और उसे थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे किलोग्राम में, यानी हमारा ज्यादातर काम होगा किलोग्राम में। इसलिए हम यहाँ पर किलोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ अल्टरनेट यूनिट में सिलेक्ट करेंगे दूसरी यूनिट यानी क्विंटल को। अब यहाँ वेयर में हमें दोनों यूनिट्स के बीच क्या संबंध है वो टाइप करना होगा, जैसे कितने क्विंटल में कितने किलोग्राम्स होते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम टाइप कर रहे हैं, और अब एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। अब हम परचेज की एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हमने परचेज वाउचर ओपन कर लिया है। पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर ए सिलेक्ट कर रहे हैं और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है। अब आइटम में हम राइस सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने 4 क्विंटल राइस खरीदा है, इसलिए क्वांटिटी में 4 टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने एंटरप्रेस किया यहाँ 4 किलोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। इसका कारण ये है कि हमने स्टॉक आइटम बनाते समय प्राइमरी यूनिट में किलोग्राम लिया था। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। इसके लिए पहले बैकस्पेस की से वापस आइटम पर आए, फिर क्वांटिटी के कॉलम में फिर से क्वांटिटी टाइप करें और उसके साथ ही आपने जो अल्टरनेट यूनिट बनाई है उसका पहला अक्षर, जैसे कि यहाँ पर क्विंटल के लिए क्यू टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर दें। देखिए, ऐसा करते ही क्वांटिटी में ऊपर किलोग्राम और नीचे क्विंटल लिखा हुआ आ रहा है। हमने ये चावल 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है, इसलिए रेट में 4000 टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करें। देखिए, पर में किलोग्राम्स लिखा हुआ आ रहा है। चूंकि ये भाव प्रति क्विंटल के हिसाब से है, इसलिए यहाँ पर में क्यू टाइप करके एंटर प्रेस करें। अब इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। जिस तरह से हमने क्विंटल में माल की खरीद दिखाई, उसी तरह से आप इस माल को क्विंटल या किलोग्राम में बेच सकते हैं। अभी हमने राइस को लेकर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था उसमें क्विंटल और किलोग्राम का उपयोग किया था, और हमें पता है कि एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं और ये एक निर्धारित पैमाना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बिस्किट्स का व्यापार करते हो जिसमें अलग अलग बिस्किट्स के कार्टन में अलग अलग क्वांटिटी में पैकेट्स हों, जैसे पार्ले जी के एक कार्टन में 20 पैक्स आते हैं और गुड्डे के एक कार्टन में 30 पैक्स आते हैं। तो आइए, ऐसी स्थिति में क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनका क्या समाधान है, ये संक्षेप में समझ लेते हैं। पहले हम दो यूनिट्स बना लेते हैं। पहली यूनिट हम बना रहे हैं पैक की। ध्यान दें, इसमें हमने नंबर ऑफ डेसिमल 0 ही रहने दिया है। दूसरी यूनिट कार्टन्स की। ध्यान दें, इसमें भी हमने नंबर ऑफ डेसिमल 0 ही रहने दिया है।
आइए अब हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। यहाँ हम स्टॉक आइटम का नाम टाइप कर रहे हैं पार्ले जी। अंडर में हम प्राइमरी ही रहने देंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम कार्टन में बिस्किट्स खरीदेंगे और पैक में बेचेंगे, इसलिए हम बेसिक यूनिट में पैक सिलेक्ट कर रहे हैं और अल्टरनेट यूनिट में कार्टन को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि पार्ले जी के एक बॉक्स में 20 पैक्स आते हैं, तो यहां पर हम टाइप करेंगे 1 कार्टन इज इक्वल टू 20 पैक्स। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा स्टॉक आइटम बना लेते हैं। नाम में टाइप करेंगे गुड डे, अंडर में प्राइमरी ही रहने देंगे। यहां भी बेसिक यूनिट पैक ही लेंगे और अल्टरनेट यूनिट में कार्टन लेंगे, लेकिन यहां पर 1 कार्टन इज इक्वल टू 30 पैक्स टाइप करना होगा। अब हम परचेस की एक एंट्री कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर ए सिलेक्ट करेंगे और परचेस लेजर में परचेस अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब यहां नेम ऑफ आइटम में पार्ले जी, हमने 10 कार्टन्स 300 रुपए प्रति कार्टन के हिसाब से खरीदे हैं, इसलिए क्वांटिटी में हम 10 टाइप करके उसी के साथ कार्टन के लिए सी टाइप करेंगे और इसी तरह रेट में 300 लिखकर एंटर प्रेस करेंगे और पर में कार्टन के लिए सी टाइप करेंगे। इसी तरह हमने गुड डे के भी 10 कार्टन्स 400 रुपए प्रति कार्टन के हिसाब से खरीदे हैं, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। देखिए, हमने दोनों आइटम्स 10-10 खरीदे थे, पर वे पैक्स में कन्वर्ट होकर 200 और 300 दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अलग अलग कार्टन्स में 20 और 30 पैक्स लिए थे। अब कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक सेल बिल बना लेते हैं। F8 की प्रेस करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में कस्टमर ए सिलेक्ट करेंगे, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट लेंगे। अब आइटम में पार्ले जी लेंगे। यहां हमने 5 पैक्स बेचे हैं, इसलिए 5 टाइप करेंगे। देखिए, ऐसा करते ही नीचे कार्टन की क्वांटिटी 0 दिख रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। यहां प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कार्टन की यूनिट ऑफ मेजर बनाते समय डेसिमल नंबर नहीं लिया था। तो पहले हम इस गलती को सुधार लेते हैं। उसके लिए एस्केप की दबा करके बाहर आ जाते हैं और आइए अब हम कार्टन की यूनिट में ऑल्टरेशन कर लेते हैं। यहां पर हमने डेसिमल प्लेस में 3 डाल दिया है, आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, अभी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर है उससे बड़ा नंबर तो डाल सकते हैं, पर उससे छोटा नंबर नहीं डाल सकते। जैसे अभी हमने यहाँ पर 3 ले लिया, तो भविष्य में आप इसे 4 या उससे अधिक तो कर सकते हैं, पर 3 से कम यानी 2 या 1 नहीं कर सकते। एक और बात ध्यान रखें, अगर आपने किसी यूनिट को लेकर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है तो आप उस यूनिट को डिलीट नहीं कर सकते। अब हम फिर से सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। देखिए, 5 पैक्स डालते ही कार्टन में 0.25 आ गया है और इसी तरह से दूसरे आइटम में 10 पैक डालते ही 0.333 आ गया है, क्योंकि हमने कार्टन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 लिया है। अब हम इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने अल्टरनेट यूनिट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको कंपाउंड यूनिट्स के बारे में बताएंगे।